बिहार में पंचायत चुनाव के लिए देश के 30 राज्यों से मंगाई जाने वाली ईवीएम की राज्य निर्वाचन आयोग ऐप से मॉनिटरिंग करेगा। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंगाने के लिए टीम गठित कर सूचित करने का निर्देश दिया है। जिलों से जाने वाली टीम में शामिल मजिस्ट्रेट से लेकर पुलिस दल के बारे में जानकारी भी आयोग ने तलब की है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मुहैया कराए गए ऐप के जरिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित कराएंगे। यही नहीं, बकायदा ईवीएम प्रबंधन योजना के तहत काम करने का निर्देश भी दिया है। 7 जुलाई तक हर हाल में ईवीएम भंडारण और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश है। आयोग के निर्देश पर 2-3 दिनों में टीमें विभिन्न राज्यों के लिए रवाना होंगी। आयोग की कोशिश है कि 15 जुलाई तक ईवीएम मंगाने का काम पूरा कर लिया जाए। ईवीएम लाने वाली टीम में मजिस्ट्रेट के साथ सुरक्षा दल शामिल हैं। जिलों में ईवीएम पहुंचाने के बाद जुलाई के दूसरे पखवाड़े में फर्स्ट लेवल चेकिंग का काम शुरू हो जाएगा। इस बार पंचायत चुनाव में ईवीएम के साथ ही पंच सरपंच के चुनाव के लिए बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। मतदान के पूर्व संबंधित कंपनियों की इंजीनियरों द्वारा ईवीएम की फर्स्ट लेवल की चेकिंग की जाएगी। मतदान के पूर्व राज्य को आवंटित किए गए एक एक ईवीएम की जांच करने के बाद जिलों को सौंप दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों को इसकी सूची जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा ईवीएम मंगाने के बाद उसकी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को इंजीनियरों द्वारा फिट किया जाएगा। यानी कि इस बार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही है। लगातार अलग अलग तरह की अपडेट सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में इस बात की भी सूचना दी गई है कि मंगाए गए ईवीएम की मॉनिटरिंग ऐप के द्वारा की जाएगी और बिहार में पहली दफे ऐसा होगा जब पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे।